हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ आपके साथ एक स्क्रब का। ये है बिल्कुल 100% हर्बल प्रोडक्ट है और ये मैंने पर्पल से मंगाया था। आपको मैंने पर्पल हॉल में भी दिखाया है ये स्क्रब, और ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है। तो मैंने अभी स्क्रब करके ही मेकअप किया है अपना, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर जरूर कर लूँ, क्योंकि मैंने इसको 3-4 बार यूज़ कर लिया है और ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा स्क्रब है। अगर आप चाहें इस स्क्रब को लेना तो आप पर्पल से ले सकते हो। तो पर्पल पर चल रही है सेल और उस पर ऑफर चलते ही रहते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप चाहें तो ले सकते हो इस तरह के प्रोडक्ट्स। तो फ्रेंड्स, ये है गुड वाइब्स का, ये है रोज़बेरी एंड पेपरमेंट ब्राइटनिंग स्क्रब। तो ये बहुत ही अच्छा अमेजिंग वर्क किया है मेरे फेस पर, और ये ब्राइटनिंग स्क्रब है तो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। अगर आप देखना चाहते हैं इसका वीडियो तो बने रहिए मेरे साथ और देख लीजिए, और मैं इसका परचेज लिंक तो आपको प्रोवाइड कर ही दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग अगर इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, स्क्रब करते हैं अपने फेस को, तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को एंड तक देखिए। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। लाइक करने में कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एंड ये बिल्कुल ही फ्री होता है, तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कीजिए फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके ही आप लोग जाइएगा और दूसरा चैनल देख सकते हो। मतलब मैं कह रही हूँ ऐसे कि अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ही अच्छा होता है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगे। आप बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसका रिव्यू एंड डेमो। एंड आपको ये स्क्रब जब आप यूज़ करेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये इतना अमेजिंग वर्क करेगा ना, तो आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा ये कितना अच्छा है। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए, मैं इसकी ज़्यादा तारीफ नहीं कर रही हूँ, आप जब स्क्रब करेंगे ना खुद ही पता चल जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये है गुड वाइब्स का स्क्रब है, ये है रोज़बेरी पेपरमेंट का है, ये रोज़मेरी एंड पेपरमेंट है इसमें, और ये ब्राइटनिंग स्क्रब है। तो ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है फ्रेंड्स, और ये नेट वेट इसका 10 ग्राम है फ्रेंड्स। और आप जानते ही हो कि गुड वाइब्स के प्रोडक्ट बहुत ही बिल्कुल ही हर्बल होते हैं, नो पैराबेन, नो SLS और रॉयल्टी फ्री प्रोडक्ट होते हैं इसके। तो ये बहुत ही अच्छा है ये प्रोडक्ट, तो आप इसको बाय कर सकते हो। और ये मैंने छोटू सा इसलिए लिया है कि मैंने सोचा पहले इसको ट्राई करना चाहिए, अगर ये ब्राइटनिंग स्क्रब है और अच्छा वर्क करता है तो मैं इसका बड़ा पैक भी ले लूँगी। और इसको मैंने कितने का बाय किया था, ये आई थिंक मैंने बाय किया है 40 रुपीज़ का, या फिर मैंने कुछ 40 या 45 रुपीज़ का मैंने बाय किया है। वैसे ये 60 रुपीज़ का है, लेकिन अभी चल रही है पर्पल पर सेल, तो आप देख सकते हो इसका। अगर आप चाहें तो इतना छोटा भी ले सकते हो, 10 ग्राम का प्रोडक्ट इनफ होता है आपका। जैसे 2-3 दिन बाद ही आपको स्क्रबिंग करनी होती है, और ब्राइटनिंग स्क्रब है तो ये मस्ट हैव है आपके लिए, आपको ये ज़रूर बाय करना चाहिए फ्रेंड्स। और इसमें पेपरमेंट है, रोज़मेरी है, पेपरमेंट से आपकी स्किन को ठंडक प्रोवाइड मिले, मतलब प्रोवाइड करेगा ये। और रोज़मेरी, हाँ रोज़बेरी है ये, तो इसमें बहुत ही अच्छा है ये, और ये फ्रूट्स का है तो बहुत ही अच्छे स्क्रब होते हैं इस तरह के, तो आपको ज़रूर से ज़रूर बाय करने चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा है, और इसकी फ्रेग्रेंस है ना फ्रेंड्स, और ये छोटू सा क्यूटी सा आता है, ये ट्यूब पैकेजिंग है ये, आप इसको आप ट्रैवल फ्रेंडली भी यूज़ कर सकते हो। तो आप लाइटिंग पर कुछ गौर मत कीजिएगा, क्योंकि लाइटिंग थोड़ा प्रॉब्लम करती है, यहाँ इशू होता है मुझे लाइटिंग का, तो कभी कभी ब्लैक हो जाता है, कभी वाइट हो जाता है, तो मैं नहीं जानती पर क्यों हो जाता है, ये वाइट है ना, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही कैप्चर कर लेता है। और ये पिंक कलर का इस तरह से आपको ये देखिए,
इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मतलब इसमें फ्रूट है तो बहुत ही अच्छा स्क्रब लग रहा है ये, और खुशबू तो इसकी माइंड ब्लोइंग, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई है इसकी स्मेल। और इस तरह से मैं अभी दिखाऊंगी आपको कि ये कैसे वर्क करता है, मतलब अच्छा है या नहीं, पर मैंने हाँ ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है क्योंकि मैंने इसको यूज़ कर लिया है, तो मैंने देखा इसको यूज़ करके कि किस तरह से काम कर रहा है, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। और आप लोग बाय करना चाहते हैं तो अब पर्पल पर सेल चल रही है तो आप जरूर बाय कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं स्क्रबिंग कैसे करनी है, ये तो सभी को पता है लेकिन फिर भी मैं दिखा ही देती हूँ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए मेरा फेस एकदम ड्राई है और मैं अभी अभी फेस वॉश करके आई हूँ तो मेरा फेस एकदम क्लीन है। तो अभी मुझे करना है स्क्रबिंग, तो मैं सबसे पहले अपने फेस को वेट कर लूँगी। ये है डाबर का रोज़ वाटर, तो मैं हमेशा जब भी आप कोई भी स्क्रब कर रहे हैं या फेस वॉश लगा या मतलब कुछ भी पैक वगैरह लगा रहे हैं तो हमेशा वेट फेस पर ही करना है आपको, जो भी कुछ अप्लाई करना है फेस पर, स्क्रबिंग हो या फिर फेस पैक वगैरह हो कुछ भी। तो मैंने सिर्फ अपने लिप्स पर लिप बाम ही लगाया है मेवलिन वाला, तो बस और कुछ भी एजेस कुछ भी नहीं लगाया है मैंने। मैं ले लेती हूँ इसको, तो मैं सबसे ज़्यादा स्क्रबिंग करूँगी अपने इस पर नोज़ पर और इधर, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा कभी हो जाते हैं, कभी अगर होते भी हैं मुझे ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स, तो मुझे सिर्फ यहाँ नोज़ के साइड में या फिर मुझे यहाँ होते हैं और कहीं मुझे ऐसे कुछ भी नहीं होता है, इधर भी नहीं होते हैं मुझे, तो मैं यहाँ पर कम करूँगी, पूरे फेस पर कम ही करूँगी लेकिन स्क्रबिंग में यहाँ ज़्यादा करूँगी। तो 2 मिनट्स आपको स्क्रबिंग करनी है, इसके बाद आप और बहुत ही बिल्कुल हल्का हाथ रखना है स्क्रबिंग करने से पहले, अच्छे से करिए स्क्रबिंग, बिल्कुल धीरे धीरे जेंटल रहना है। और आपका फेस अगर ड्राई हो जाए तो आपको फिर से गीला कर लेना है, वेट कर लेना है। तो मैं करती हूँ स्क्रबिंग, 2 मिनट्स के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, स्क्रबिंग भी हो गई है मेरी और मेरा फेस एकदम क्लीन और एकदम मतलब बहुत ही अच्छा दिख रहा है, चिकना दिख रहा है क्योंकि मेरे जितने ब्लैक हेड्स थे हल्के फुल्के वो सब क्लीन हो गए हैं मेरे फेस से। तो आप लोग देख रहे होंगे मेरा फेस, स्क्रब बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। तो मैं इसको सेकंड थर्ड या फोर्थ टाइम यूज़ कर रही हूँ बट ये बहुत ही अच्छा है, इसलिए इसको मैं रिकमेंड कर रही हूँ आपको। और आप लेना चाहें तो छोटा ही पैक ले लीजिए, क्योंकि छोटा लेंगे हम लोग, आप लेंगे छोटा तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छा लगे तो आप दूसरा भी परचेस कर सकते हो इससे बड़ा भी, क्योंकि जब हमें ऑप्शन मिल रहा है छोटा पैक लेने का तो छोटा ही क्यों ना लिया जाए और फिर उसको यूज़ क्यों ना करके देख लिया जाए। तो आप तो यूज़ करके देख सकते हो, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसका थोड़ा बड़ा जो पैक आते हैं जो बड़े टब में, तो आप वो भी इससे परचेज कर सकते हो इसको। तो फ्रेंड्स ये हाईली रिकमेंड करती हूँ मैं, ये वाला बहुत अच्छा लगा मुझे स्क्रब, क्योंकि इससे स्किन देख लीजिए आप, ये मेरी शाइनिंग मेरे फेस की मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, आपके सामने ही मैं वॉश कर आई हूँ अपने फेस को, तो मेरा वेट अब तो ड्राई हो गया है, मेरा फेस बिल्कुल भी वेट नहीं है। तो भी आप देख लीजिए मेरे फेस पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं अप्लाई किया है मैंने और मैं सिंपल हूँ बिल्कुल, कुछ भी नहीं अप्लाई करती हूँ ऐसा ज़्यादा। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ही अच्छा है और पर्पल पर चलती रहती है सेल, तो आपको ऑफर के टाइम पर मिल ही जाएगा ये। तो आप देख सकते हो मैं इसका परचेज लिंक तो आपको दे ही दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपसे।
तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है, इसका डेमो भी देख लिया है, इसका रिव्यू भी देख लिया है। अगर आप लोग को थोड़ा भी पसंद आए ये वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा मेरे चैनल को, प्लीज़ एक लाइक करिए। और लाइक करने से मुझे मोटिवेट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा और भी न्यू वीडियो बनाने का मन करता है, मतलब अच्छा लगता है कि वीडियोस बनाऊं मैं। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे मेरे वीडियो को, मतलब मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी फ्रेंड्स। तो इसलिए प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ। तो और जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा और जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये मैं कह रही हूँ कि आप इसको इतना छोटा सा ही ले लीजिए, पहले ये 10 ग्राम का है तो आपको ये इनफ है, आप इसको कर सकते हो जैसे आपके फेस के अकॉर्डिंग जितना आप लेते हो। वैसे वेट फेस पर करना है तो आप इतना सा ही अमाउंट लगता है, तो आप ले के आप जहाँ जहाँ आप लोग आपको जहाँ पर भी ज़्यादा ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हों तो वहाँ अप्लाई कीजिए। मुझे तो कभी बारिश के समय जो रेनी सीजन है तब यहाँ पर साइड में और यहाँ पर हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन ज़्यादातर मुझे नहीं होते हैं ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स मुझे नहीं है। एक्चुअली मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो मुझे ओपन पोर्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, ड्राई टू कॉम्बिनेशन ड्राई टू नॉर्मल स्किन है मेरी, तो मुझे होते नहीं है एजेस कि मुझे बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग करनी पड़े। फिर भी मैं अब तो मैं वन वीक में एक बार तो कर ही लेती हूँ फ्रेंड्स। तो ये मुझे बहुत अच्छा स्क्रब लगा तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर जरूर करना चाहिए, इसलिए मैं शेयर की हूँ आप लोगों के साथ। और आप इसको बाय जरूर कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका परचेस लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। आप चाहे छोटा इतना छोटा लेना चाहे तो इतना छोटा ले लीजिए, आप बड़ा लेना चाहते हैं तो बड़ा भी ले सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स बाय, आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय, लव यू ऑल।